देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी मार्कशीट और शैक्षणिक दस्तावेज बनाकर कमाई करने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है। साथ ही एक अभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं एसएसपी दिलीप कुंवर ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर एमडीडीए कॉम्प्लेक्स स्थित दुकान पर कुछ लोग फर्जी मार्कशीट और शैक्षणिक दस्तावेज बना रहे हैं। आरोपी बिहार और कई राज्यों में एजुकेशन के नाम से एक ट्रस्ट भी बना है। आरोपी ने उक्त ट्रस्ट के नाम से एक वेबसाइट भी बनाई है, जिसमें 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा करवाने और उसके पश्चात मार्कशीट प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाते हैं। मौके पर पुलिस टीम ने पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जाँच कर रही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कोतवाली पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से काम किया। इसको मतलब एसपी क्राइम, एसपी सिटी और सीओ के नेतृत्व में इसको पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसमें पता चला कि इसमें तीन लोग इन्वॉल्व हैं। एक राज किशोर राय करके नाम का व्यक्ति है। ये बेसिकली यहाँ पिथू वाला मोहब्बे वाला रहने वाला है, लेकिन मूल रूप से ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसका जो मास्टरमाइंड इस पूरे ऑपरेशन का, जो ये जो जालसाजी का, जो गिरोह का जो मास्टरमाइंड है, वो सहेंद्र पाल पुत्र हरपाल सिंह, ये आपका खतौली मुजफ्फरनगर रहने